तो दोस्तों अभी फिर से सुबह हो गई है, जैसे कल सुबह हुई थी वैसे आज फिर से सुबह हो गई है। हमें तो बताया और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस बैंक्वेट हॉल। रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत सोए हैं हम लोग, ढेर एकदम डंगरों की तरह सोए हैं। और अभी हम लोग बस जा रहे हैं और अभी हल्दी होने वाली है, मतलब हो रही है हल्दी, वी आर ऑलरेडी लेट। तो अभी हम चलते हैं और फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या क्या करेंगे। हाँ चलते हैं और स्तुति की गालियाँ खाते हैं पहले, तो कि हम लेट आए हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, स्तुति और धामी की हल्दी हो चुकी है और ये दोनों फोटो शूट करवा रहे हैं। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, स्तुति हम लोगों से बहुत गुस्सा हो गई है और ना चाहते हुए भी मुझे भी दूसरों के चक्कर में लेट होना पड़ा, अदरवाइज ये फंक्शन मैं बहुत ही अच्छे से इंजॉय करता। दोस्तों स्तुति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है और अभी फाइनली उसने बुला लिया है इनको फ़ोटो खींचने के लिए, और जितनी जल्दी बुलाया उतनी जल्दी भगा भी दिया इन दोनों को। क्या हुआ? कैमरा निकाल के खड़े हुए तो अपना कंटेंट तो कैसा लग रहा है? आपने स्तुति को नाराज कर दिया, कैसा लग रहा है? और ये वीडियो को देखेगी, इसको भी मैं डालूंगा, पक्का पक्का डालूंगा इसको, तो उसको पता चलना चाहिए। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं हमारे यहाँ बैंक्वेट हॉल, जहाँ पे हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है बारात की, और अभी हम लोग बारात से भी नाच लिए। अब हम यहाँ पे बारात का फिर से वेलकम करेंगे स्तुति की टीम से। तो आइए अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर पूरा कैसे डेकोरेशन हो रखी है, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि खाने के लिए क्या क्या है। तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है दोस्तों मेरे पीछे, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों अब हम आपको हमारे उत्तराखंड का ट्रेडिशनल डांस दिखाएंगे, जिसको बोलते हैं छोलिया, और जो शादियों में नाचते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ये दिखाने के लिए कि लड़की वाले कैसे बारात का स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों। If I could lay down beside you, I would.